अरे कुछ नहीं है, फालतू वाला बात आप कर रहे हैं महाराज। हम लोग कैसे सटा रहे हैं ऐसे? अरे कैसे नहीं सटाएंगे, ये तो हमारा अधिकार है सटाने का। अब बंदूक थोड़ा सटाएंगे हम, मीडिया सटा रहे हैं, जबकि सबसे बड़ा चोर यहाँ का ठेकेदार है। अब हमको ये बात पता नहीं है ये ठेकेदार है कि मुंसिफ, ऐसा मीडिया हमको मत समझिएगा। जबान बंद कर लीजिए, अपना जबान बंद कर लीजिए। रक्सौल अनुमंडल के भेलवा स्टेशन पे मौजूद है, जिसका तस्वीर आप साफ तौर पे अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर एक बार फिर से रेलवे के कामों में हो रहा है घोर भ्रष्टाचार, यानी कि लूट खसोट का मामला यहाँ भी प्रकाश में आया है। हालांकि यहाँ पे फर्श निर्माण का जो प्रक्रिया है वो चल रहा है, और उसमें इसी प्रकार के मिट्टी का प्रयोग किया जा रहा है। बालू नहीं है, इसको हम साफ तौर पर मिट्टी कहेंगे। इससे पहले भी हम लोगों ने घोड़ासान से एक वीडियो दिखाया था, जहां पे मिट्टी से स्टेशन का निर्माण और दो नंबर के ईंट्स हो रहा था, सेम उससे भी घटिया क्वालिटी का काम यहां पे करवाया जा रहा है। आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे यहाँ पे मार्बल लगाया जा रहा है और इसमें मिट्टी का प्रयोग किया जा रहा है, जिसको आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे। हालांकि ये चीज़ें कितने दिनों चलेंगी इसका अंदाज़ा आप भी लगा सकते हैं। सामने स्टेशन है, यहाँ पे स्टेशन मास्टर भी होंगे, लेकिन उनके आंखों के सामने रेलवे के काम में बार बार से गलत काम करवाया जाए, लेकिन सभी लोग चुपचाप से तमाशा देखते रहते हैं। आप लोग के ठेकेदार जी कौन है? ठेकेदार क्या है, ठेकेदार यहाँ का? हम लोग नहीं जानते। आप लोग ठेकेदार को जानते ही नहीं है? आप लोग को बुलाया क्या है काम करने के लिए? क्या बुलाया है बताइएगा जरा, उनसे बात करें हम। दिखाइए दिखाइए इन सभी चीज़ों का, यही सारी चीज़ें है। अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति, अब बताते चले आपको यह भी बात कि इसी रेलवे के पैसे से चोरी करके यानी लूट खसोट करके जो भी ठेकेदार होंगे ना, अपना घर फर्स्ट क्वालिटी के मार्बल टाइल के साथ बनाते हैं और एक नंबर का काम करवाते हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। अच्छा, आम लोग के घर में इस तरह से मार्बल टाइल लगता कभी देखे हैं? नहीं देखे। अच्छा, दो नंबर का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, लेकिन चुपचाप सब लोग देख रहा है जी, अभी मुस्कुराते हुए देख रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, क्या करेंगे, ये लोग ज़्यादा चिल्ला नहीं सकते, लेकिन हम लोग अच्छा शायद से यहीं पर हैं। आइए तो थोड़ा आगे आइए। आप यहाँ के ठेकेदार हैं? आप ठेकेदार हैं क्या यहाँ के? क्या बोले? अरे कुछ तो बोलिए सर, आप ठेकेदार यहाँ के हैं? अभी फोन में बिजी हैं, हालांकि हम बात करेंगे जरूर। सामने एक बार फिर से दिखाइए, रक्सौल अनुमंडल का भेलवा रेलवे स्टेशन है और यहाँ पे दो नंबर का काम, और दो नंबर के काम का पुख्ता सबूत हमारे पास है कि मिट्टी के साथ यहाँ पे टाइल्स का प्रयोग किया जा रहा है, टाइल्स को बनाया जा रहा है। और हम इनसे एक और चीज़ दिखाइए, यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है, इसके नीचे पक्का, पक्का के ऊपर मिट्टी, मिट्टी के ऊपर टाइल्स, और टाइल्स के ऊपर जो सीमेंट का घोला, जो जीता जागता सबूत इस चीज़ का है कि यहाँ पे बिल्कुल दो नंबर का काम है और नीपा पोती करके शायद से इसको ओरिजिनल दर्शाने का काम किया जा रहा। कुछ भाई लोग उनसे बात करते हैं, क्या लग रहा है दो नंबर का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे भागिए मत भाई, रेलवे कहता है कि आपकी संपत्ति है, इसकी सुरक्षा आप खुद करिए, लेकिन सभी लोग मजाक बना दिए हैं, लेकिन कोई हमारे सामने बोलने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि यहाँ के सामने दो नंबर काम हो रहा है, ये कैसा लोकतंत्र है कि लोग डर के मारे बोलने से भी भाग रहे हैं, लेकिन इसी प्रकार का कार्य करा करके जो भी ठेकेदार हैं मजे से पैसे लूटता है और लोग इस तरह का तमाशा देखते रहते हैं। आइए एक बार फिर से बात करने की कोशिश करते हैं। एक मिनट सर, आप यहाँ के ठेकेदार हैं? नहीं, कुछ क्या नहीं। है आप यहाँ? कुछ नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं है, मतलब नहीं समझे? अरे कुछ नहीं है तो फालतू वाला बात आप कर रहे हैं महाराज। अरे महाराज, चिल्ला क्यों रहे हैं? चिल्ला क्यों रहे हैं? मुंह में बात कर रहे हैं, चिल्ला क्यों रहे हैं बताइए, चिल्ला क्यों रहे हैं? क्या है, क्या क्या बात, आप क्या यहाँ, क्या बात है, कुछ नहीं है, क्या है, कुछ नहीं है, तो फिर ऐसे चिल्ला क्यों रहे हैं भाई? उसे क्या कर तमाम लोग कैसे सटा रहे हैं? अरे कैसे नहीं सटाएंगे, ये तो हमारा अधिकार है, बंदूक थोड़े सटाएंगे हम, मीडिया सटाएंगे। अरे हम मीडिया है तो माइक ना सटाएंगे महाराज, बंदूक थोड़े सटाएंगे, ले करके बात करिए ना, कोई बात देख लिए, समझ सकते हैं यहाँ पे, समझ लिए, दो नंबर का काम, ऊपर से सीना जोरी, ज्यादा बोलिएगा तो मारपीट भी हमारे साथ करेंगे, उससे ज्यादा बोलिएगा तो हमारे ऊपर तुरंत FIR करवा देंगे। जबकि सबसे बड़ा चोर यहाँ का ठेकेदार है, अब हमको ये बात पता नहीं है ये ठेकेदार है कि मुंशी है, लेकिन इसी प्रकार का काम होता है। पहले भी वीडियो बनाए थे, यही सारे लोग चोरी का पैसा खाते हैं और सीना जोरी करने का प्रयास करते हैं, यही सारी चीजें हैं। हालांकि हाँ, आपको 2000 रुपया दे देंगे तो आप बहुत शरीफ हो जाइएगा, पैसा लेने के लिए आए, पैसा लेने के लिए आप आए, सबसे भ्रष्ट आदमी आप लोग हैं, सबसे भ्रष्ट आप लोग हैं, हम रंगदारी मांगे हैं, रोक दीजिए रंगदारी मांगे हैं, तो वैसा मीडिया मांगने के लिए आते हैं, वैसा मीडिया हमको मत, वैसा मीडिया हमको मत समझिएगा, जबान बंद कर लीजिए अपना, जबान बंद कर लीजिए महाराज, आप अपना आप जबान बंद कर लीजिए, यही इनकी सच्चाई है। चोरी करते हैं सरेआम, चोरी खुलेआम यहाँ पे हो रहा है, फिर से दिखाइए, नीचे पक्का है, ऊपर से टाइल्स है, बीच में माटी है, ऊपर से सीमेंट का घोला, दो नंबर को एक नंबर को बनाने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। आज जब हम सवाल पूछेंगे तो हमसे झगड़ा करने पर लोग उतारू हो जा रहे हैं, हालांकि हमारा भी दायरा है, हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। यदि वरीय पदाधिकारी इसमें संलिप्त तो नहीं हो तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम इस काम का जाँच हो, और जाँच के बाद इसमें जो भी ठेकेदार है उसके ऊपर उचित कार्रवाई होना चाहिए था। आइए कुछ और चीज़ें दिखा देते हैं।
हालांकि निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन यहाँ पे ये सब बन के तैयार है। आप तैयार है का मतलब देख लीजिए, यही सब चीज़ बना हुआ है। अभी ये सब हिल गया है, पूरा टूट गया है। हालांकि कितना डेंजर बना है समझ सकते हैं, यहाँ से लोग ट्रेन में चढ़ते हैं, यदि टूटेगा पैर फिसलेगा लोग सीधे चले जाएंगे ट्रेन के आगोश में, और आपकी मौत 100% गारंटी है। यहाँ पे मौत का खेल चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम नहीं चल रहा है, यही बात है ना। यही सच्चाई इस देश की है, और यही कारण है कि बिहार में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है, और तमाम लोग तमाशा देखते रहते हैं, और ये लोग रेलवे का पैसा अपना पैसा समझ के लूटते रहते हैं। आगे और भी मैं अपडेट बताऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद।